बुलंदशहर में जहरीली शराब बेचने का मामला सामने आया, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 15 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब कारोबारी और आबकारी विभाग की सांठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। इस मामले में लापरवाही बरतने और कार्रवाई नहीं करने पर SSP संतोष कुमार सिंह ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं CM ने मामले को संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद शराब माफिया फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी हम लोग जीतगढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में हैं। आप देख रहे हैं कि हम मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि CHC सिकंदराबाद में ऑलरेडी बेहतर इलाज करवाया जा रहा है, बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं, ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेजे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छी इलाज करके जान बचा सकें। देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और प्रथम दृष्टया क्योंकि यहाँ आने के बाद ही जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी, इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखे थे, साथ ही 2 RSC जो चीज के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिसिलिया मार्ग का शराब है, यदि किसी मार्के की शराब ठेकों की देखती है, तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई।